और जो पोस्टमार्टम डिप्रेशन है उसमें प्रॉपर उदासी के लक्षण आएंगे जो दस से पंद्रह परसेंट फीमेल्स को हो सकता है जाने अनजाने में बीमारी की वजह से माँ जो है अपने बच्चे के लिए ही खतरा बन सकती है और जिसकी कई बार तो ऐसा भी होता है कि माँ जो है अपने बच्चे की हत्या तक भी कर देती है नमस्कार दोस्तों अगर हम प्रेगनेंसी की बात करें तो ये बहुत ही पॉजिटिव इमोशंस के साथ माइंड में आता है किसी भी फीमेल के लिए फैमिली के लिए या हस्बैंड या वाइफ़ के लिए और प्रेगनेंसी के बाद जो पीरियड आता है उसको बोलते हैं पोस्ट पार्टम मतलब बच्चा पैदा होने के बाद बट फीमेल जो है साइकोलॉजिकली सबसे ज़्यादा प्रोन होती है किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स के लिए आफ्टर प्रेगनेंसी या इवन पेरी पार्टम पीरियड भी बोलते हैं जस्ट बिफोर डिलीवरी एंड आफ्टर डिलीवरी इसमें बेबी ब्लूज़ भी हो सकते हैं पोस्ट पार्टम डिप्रेशन भी हो सकता है और पोस्ट पार्टम साइकोसिस भी अगर हम कारणों को समझने की कोशिश करें तो होता है क्या है कि फीमेल में हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से जो है उनके डिप्रेशन या साइकोसिस या बाकी चीज़ों के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं उसके अलावा प्रेगनेंसी या चाइल्ड बर्थ अपने आप में भी काफ़ी स्ट्रेसफुल होता है एक बायोलॉजिकल स्ट्रेस है आठ दस किलो वज़न बढ़ जाना और उसके बाद फिज़िकली खुद को मैनेज करना फिर डिलीवरी के प्रोसेस के थ्रू जाना फिर उसके बाद उसमें चेंजेस क्या होंगे बॉडीली चेंजेस होंगे पैसे को लेके चेंजेस होंगे हो सकता है कि फ़ीमेल कुछ टाइम तक नहीं काम कर पाए विदाउट पे जॉब मिले या ना मतलब विद पे मिले या ना मिले विदाउट पे जाना पड़े या जॉब को भी वो कुछ सालों के लिए कंटिन्यू कर पाएँ या ना कर पाएँ सोशल चेंजेस हो जाना जैसे काफ़ी सारे लोग जो हैं वो अलग रहते हैं न्यूक्लियर फैमिलीज़ में रहते हैं हस्बैंड वाइफ रहते हैं और कई लोग दोनों ही काम करते हैं कई लोग तो अब्रॉड रहते हैं आउट ऑफ इंडिया तो उनको और भी ज़्यादा दिक्कत होगी क्योंकि कई बार ना दूसरी कंट्री में किसी मेड या उस तरह की हेल्प को अफोर्ड करना पाना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है तो बेबी ब्लूज जो होते हैं इन तीनों में सबसे ज़्यादा कॉमन है इसमें मूड जो है स्विंग्स ज़्यादा होते हैं चिड़चिड़ाहट हो जाती है तीन से पाँच दिन में ही आ जाता है और उसके बाद जल्दी से सेटल भी हो जाता है किसी साइकैट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट की अक्सर ज़रूरत भी नहीं पड़ती है बट जो पोस्टमार्टम डिप्रेशन है उसमें प्रॉपर उदासी के लक्षण आएंगे जो दस से पंद्रह परसेंट फीमेल्स को हो सकता है और बाद में भी आने वाले टाइम में डिप्रेशन हो सकता है उनकी फैमिली में भी डिप्रेशन की हिस्ट्री हो सकती है और सबसे रेयर जो है वो है पोस्टमार्टम साइकोसिस साइकोस का मतलब होता है डिल्यूजनस हेलोसिनेशन या डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर बिहेवियर इस लेवल तक डिसऑर्गेनाइज हो सकता है या डिलीजन और हेलूसिनेशन की वजह से कि माँ है अपने बच्चे को ही खतरा बन सकती है और सबसे पहली मैनेजमेंट पोस्टमार्टम साइकोसिस में माँ का इलाज कराने से भी पहले होती है बच्चे को माँ से दूर रखना या अगर बच्चा माँ के साथ भी है तो उस टाइम कोई ना कोई साथ में होना चाहिए क्योंकि जाने अनजाने में बीमारी की वजह से बच माँ जो है अपने बच्चे के लिए ही खतरा बन सकती है और जिसकी कई बार तो ऐसा भी होता है कि माँ जो है अपने बच्चे की हत्या तक भी कर देती है तो वह काफ़ी गंभीर बीमारी है इसको सीरियसली लेना चाहिए और इसकी जानकारी जो है होनी चाहिए तो फ़िलहाल इस वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे डिटेल में हम बात करेंगे पोस्टमार्टम ब्लूज़ की डिप्रेशन की और साइकोसिस की इनके वीडियोस में और उनके लिंक भी इस वीडियो के नीचे मैं डाल दूँगा तो आज के लिए दोस्तों इतना ही धन्यवाद